बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि रहमतों का महीना चल रहा है, तो मेरी आप सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सबको अपनी खास दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक रमज़ान करीम के सदके हमें कोरोना वायरस से, इस वबा से निजात दें। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ। किस्सा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें, ताकि हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहें। कुफारे मक्का का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत में डालने के लिए एक मज़मूम कदम। इब्ने इसाक का बयान है कि एक दफ़ा इराश का एक शख्स कुछ ऊँट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने उसके ऊँट खरीद लिए और जब उसने कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। इराशी ने तंग आकर एक रोज़ हरम काबा में कुरेश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमाए आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरम के एक गोशे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। कुरेश के सरदारों ने उस शख्स से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, देखो वो साहिब जो उस कोने में बैठे हैं उनसे जाकर कहो, वो तुमको तुम्हारा रुपया दिलवा देंगे। इराशी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरेश के सरदारों ने आपस में कहा, आज लुत्फ आएगा, क्योंकि वो साजिश कर रहे थे। इराशी ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हुए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि कुछ गुजरे उसकी खबर ला कर दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटखटाई। उसने पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हैरान होकर बाहर निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इस शख्स का हक अदा कर दे, उसने कोई चूचरा ना की। सीधा अंदर गया और उसके ऊँटों की कीमत लाकर उसके हाथ में दे दी। कुरेश के आदमी ने यह हाल देखा और देखकर हरम की तरफ दौड़ा और सरदारों को सारा माजरा सुनाया और कहने लगा कि वल्लाह, आज वो अजीब मामला देखा है कि जो कभी ना देखा था। अबू जहल जब निकला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसका रंग बदल गया और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि उसका हक अदा करे, तो ये मालूम होता था कि जिसे उसकी जान जिस्म में है ही नहीं। आपने देखा कि किस कदर कुफार की साजिश नाकाम गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाजे पर गए। अबू जहल को देखकर उस पर दहशत तारी हो गई। उसने बिना कुछ बोले पैसे दे दिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।